हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम विद यू विद योर आर्ट बुक ऑफ फोर्थ क्लास। तो आज हम अपनी फोर्थ क्लास की पहली आर्ट करेंगे। तो आप अपना फर्स्ट पेज निकालेंगे। आपके फर्स्ट पेज पे क्या बना हुआ है? एक कैसल। कैसल होता है महल, किला, और हमारे को बोला है कि आपको इसको कलर करना है जैसे इंडिकेशन आपको दिए हुए हैं, यानी कि जैसी आपको पिक्चर दी हुई है आपको एज इट इज इसमें वैसे ही कलर करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे को ऊपर जो चोटी बनी हुई है उसकी, उसमें इन्होंने रेड कलर किया हुआ है, तो मैं इसमें रेड कलर करूंगी। और आपके पास स्कूल से बहुत सारे कलर दिए हैं, आपको ऑयल पेस्टर कलर दिया हुआ है, वाटर कलर दिए हैं, क्रियोन्स दिए हैं, तो आपको जो सूटेबल लगते हैं आपको इसमें वो कलर यूज करने हैं। और इसमें इन्होंने क्रियोन्स कलर यूज करने के लिए बोला है, तो अगर आप चाहें तो आप मोस्ट ऑफ प्रोबेबली क्रियोन्स कलर का ही यूज करें। तो पहले हम इसकी सबसे ऊपर जो चोटी बनी हुई है उसको रेड कलर फिल करने से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसकी बाउंड्री करेंगे ताकि जो कलर है वो बाहर ना निकल जाए, फिर उसके बीच वाले पोर्शन में फिल करेंगे कलर को। आप अपनी बुक अभी लेकर मेरे साथ साथ इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली कलर कर रहे हैं तो आप पूरे कैसल को हॉरिजॉन्टली करेंगे, वर्टिकली कर रहे हैं तो वर्टिकली करेंगे, ताकि हमारे जो कलर से वो टेढ़े मेढ़े ना दिखे और जो हमारा कैसल है वो दिखने में बुरा ना लगे। पहले सिर्फ बाउंड्रीज को ही कलर करिए ताकि आपका जो कलर है वो आपके बॉक्स से बाहर ना जाए। मेरा जो रेड कलर है वो फिल होने वाला है एंड आई होप आपका भी वो जो पोर्शन है रेड कलर वाला वो फिल होने वाला है। देन हम नेक्स्ट कलर से नेक्स्ट वाले पोर्शन को फिल करेंगे। दिखाती हूँ हमारा जो रेड वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके ऊपर वाले पोर्शन में जहां जहां मेरा रेड कलर इंडिकेट किया होता हमने वहां वहां रेड कलर कर लिया है। तो हम उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे उन्होंने क्या किया हुआ है ब्लू कलर। तो हम उसके नीचे वाले पोर्शन में जैसे उसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं वहां पर वैसे ब्लू कलर फिल करेंगे। कलर भी फिल होने वाला है। उसके बाद जो छोटी छोटी विंडोज बनी हुई हैं कैसल में, उन छोटी छोटी विंडोज में भी इन्होंने ब्लू कलर ही फिल कर रखा है। तो हम उन छोटी छोटी विंडोज में, जो छोटी छोटी विंडोज हैं इनमें भी हमें ब्लू कलर ही फिल करना है। तो इसमें भी हम ब्लू कलर फिल करेंगे जो हमने अभी यूज किया था।
हमारा ब्लू कलर का काम यहाँ पे खत्म होता है। हमने जितना भी जहां जहां ब्लू कलर करना था हमने वहां पर अपना ब्लू कलर फिल कर लिया। अब हम करेंगे येलो कलर, जो बाकी स्पेस बचा है वहां पर हमें येलो कलर करना है डोर को छोड़कर। ध्यान रखेंगे कलर बिल्कुल भी हमारे कैसे से बाहर नहीं जाना चाहिए और जो दूसरे कलर है उनमें भी मिक्स नहीं होना चाहिए। कोई जल्दबाजी में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से, बस कलरिंग अच्छी होनी चाहिए। कलर को बहुत टाइटली नहीं पकड़ना है, बहुत ढीला नहीं पकड़ना है, अच्छे से पकड़ना है ताकि वो कहीं और बाहर कलर ना कर दे। तो मेरा ये जो येलो कलर है वो भी फिल होने वाला है, आई होप आपका भी होने वाला होगा। येलो वाला पोर्शन था वो भी हमारे कैसल में कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, डोर में कलर करना है। डोर में हमें कौन सा कलर दिया हुआ है, ब्राउन कलर का, और जो उसका नॉक है उस नॉक को उन्होंने पर्पल कलर से फिल किया है। तो पहले हम डोर को गोल्डन कलर से फिल करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो जो हैंडल है उसमें आपसे कलर हो जाएगा तो आप पहले उसमें पर्पल कलर फिल कर लेंगे, उसके बाद डोर को फिल करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और उसके बाद लास्ट में हम पर्पल कलर लेके वो जो छोटा सा हैंडल हमें दिया हुआ है उसको फिल कर देंगे। हमारा कैसल बिल्कुल रेडी हो गया है। बस हमें क्या करना है, नीचे जो इनको हमारी ग्रीनरी दी हुई है उस ग्रीनरी को करना है, और पाथ का इन्होंने ग्रे कलर से किया है तो वहां पर ग्रे कलर करना है। तो जो हमारी रोड बनी हुई है वो ग्रे कलर की बनी हुई है तो हमें वहां पर ग्रे कलर कर लेना है। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वहां पर ग्रीन कलर करना है। ध्यान रखेंगे कलर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए और जितने पोर्शन में दिया हुआ है उतने ही पोर्शन में होना चाहिए। लाइट ग्रीन कलर यूज करेंगे, जो कलर उसके अंदर कैसल में इंडिकेशन में दिया हुआ है वही वाला कलर यूज करके हम इसे फिल करेंगे। तो हमारा कैसल जो है वो बिल्कुल रेडी है, आपको दिख रहा होगा जैसा ये था इंडिकेशन में हमें दिया हुआ था हमारा कैसल भी बिल्कुल वैसा ही बना है। आई होप आपको समझ आया कि हमें कैसे कलर फिल करने हैं। आपको ध्यान रखना है कलर बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली करेंगे, वर्टिकली कर रहे हैं तो वर्टिकली करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कुछ और सीखेंगे आर्ट में। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे होम।